ये जो लोग हैं आपके और हमारे जैसे एक लैब टेक्नीशियन है, वही लैब टेक्नीशियन जिसकी वजह से आप और हम आज सुरक्षित। लेकिन अजीब बात है, सुरक्षित तो हैं आप, लेकिन वो क्या है ना कि जमाना एहसान फरामोश होता है। लोग ठीक रहे, खुशहाल रहे तो ऊपर बैठे भगवान और अल्लाह को भी नहीं पूछते। ये लोग तो फिर भी लाइफ टेक्नीशियन हैं, इनको पूछ कर फायदा क्या है, इनकी पीड़ाओं को कौन समझे। आइए हम इनकी पीड़ाओं पर एक नज़र डालते हैं। कोरोना विषाणु की जांच हेतु स्वास्थ्य विभाग में सबसे मुख्य भूमिका एक लैब टेक्नीशियन की होती है, क्योंकि उसी की जांच की पुष्टि से यह तय होता है कि कोरोना विषाणु किसी इंसान के शरीर में है या नहीं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि स्वास्थ्य विभाग में विषाणुग्रस्त मानव शरीर के सबसे निकट एवं सबसे पहले यदि कोई आता है तो वह लैब टेक्नीशियन ही होता है। इस जानलेवा विषाणु से बचने हेतु लैब टेक्नीशियनों को एक पीपी किट, मास्क एवं तमाम सुविधाएं दी जाती है जिससे वह अपनी जान को बचा सके। किंतु इस प्रक्रिया में जरा सी सावधानी हटते ही तमाम लैब टेक्नीशियन कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं। 5 से 6 घंटे लगातार बिना भोजन, पानी एवं शुद्ध वायु के अंदर ही अंदर घूट करे लैब टेक्नीशियन अपनी हिम्मत ना हारते हुए लोगों की जान बचाने का अटल प्रयास करते रहते हैं। जो पीपी किट धारण करते हैं उसको इस गर्मी में 5 से 6 घंटा लगातार पहनने रहने से शरीर का तापमान बिगड़ जाता है और जान और जोखिम में पड़ने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। इतना ही नहीं, इतने सब के बावजूद एक बार पीपी किट पहनने के बाद जब तक सभी रोगियों की जांच ना हो जाए तब तक इस पीपी किट को शरीर से उतारा नहीं जाता है और रोगियों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इन प्रक्रियाओं में और इन जांचों को करते हुए सभी रोगियों से जब ये लोग संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक इस पीपी किट को उतार कर नियमित क्रिया यानी कि मल मूत्र का त्याग इत्यादि भी ये लोग नहीं कर सकते। यदि ऐसा कोई करता है तो उसकी इस जानलेवा विषाणु के चपेट में आने से मौत होने की संभावना बढ़ जाती है। और कई लोग जो इस पद पर थे अपने फर्ज को निभाते हुए वीर गति को प्राप्त भी हो चुके हैं। ये तो इन लैब टेक्नीशियनों का एक कार्य है, एक फर्ज है जो ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। लेकिन फर्ज अलग चीज है और इंसानियत अलग चीज है। इंसानियत के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो जो जीवन आम नागरिक जी रहा है कोरोना विषाणु से खुद को बचाते हुए अपने अपने घरों में दुबके हुए परिवार के साथ खुशहाल है तो इन लैब टेक्नीशियनों को भी ये नसीब नहीं है। यह कोरोना पॉजिटिव न होते हुए हर दिन इस भांति खुद को परिवार से अलग क्वारंटाइन करके ऐसे जीते हैं जिसकी कल्पना भी अत्यंत ये परिवार के होकर भी परिवार के नहीं माने जाते और इसमें परिवार का कोई दोष नहीं है। परिवार की सुरक्षा हेतु ही ऐसा ठोस कदम इनके लिए आवश्यक हो जाता है। दिन प्रतिदिन इस कोरोना विषाणु की बढ़ती तादाद का तांडव देखकर इन लैब टेक्नीशियनों की ड्यूटी लगभग 24 घंटे रहती है। कोरोना विषाणु के नियमित संपर्क में रहने से पिछले कई महीनों से लैब टेक्नीशियन जांच करते करते खुद पॉजिटिव हो जा रहे हैं। इस कोरोना से ग्रसित रोगी पॉजिटिव होकर या तो निगेटिव हो जा रहे हैं किंतु इन लैब टेक्नीशियन निगेटिव होते हुए भी कोरोना विषाणु पॉजिटिव के रोगी की भांति अपना जीवन जीने को मजबूर है। दुख इस बात का होता है कि अपना सभी सुख समृद्धि विकास एवं स्नेह परिवार यहाँ तक कि जीवन भी दांव लगाकर जब इस समाज में निकलते हैं तो कुछ लोग बल्कि इन्हीं के द्वारा बचाए गए लोग इनका सम्मान करने के बजाय इन्हें सहारा देने की बजाय इनसे घृणा एवं दूरी उत्पन्न करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। किंतु फिर भी ये खुद की फिक्र किए बिना आपकी फिक्र करते हैं, ना इनकी मन में इस किसी के प्रति कोई भेदभाव होता है तथा ना ही कोई इन्हें यह भेदभाव करने पर मजबूर कर सकता है। इनके लिए ना कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा, सभी सम्मान है, सभी इंसान। अफसोस इस बात का है कि जमाना इनकी नियुक्तियों के प्रति ध्यान नहीं देता। लोग बस अपने स्वार्थ, अपने परिवार तथा अपने आप पर ही ध्यान देते हैं और जब तक यह स्वार्थ का सिलसिला चलता रहेगा तब तक हम इस भयावह महामारी को रोकने में असमर्थ रहेंगे। यदि हमें इससे जीतना है तो कहीं ना कहीं हमें अपना स्वार्थ त्याग कर इन लैब टेक्नीशियनों को भी इंसानियत के दृष्टिकोण से देखना एवं समझना पड़ेगा ताकि हम सब एक होकर एक दूसरे की परिस्थितियों को भली भांति समझकर एक दूसरे का सहयोग करके खुद को बचाते हुए
पूरे देश को इस कोरोना विषाणु से बचा सके और इंसानी कौम को जिंदा रख सके, जिसका खुद एक हम एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोरखपुर लाइव देश के असल नायक इन कोरोना योद्धाओं का सम्मान करता है और एक अपील करता है कि जहां भी आप इन्हें देखें, इन लोगों का उत्साहवर्धन करें।